हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या। हजरतगंज के पास पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। रणजीत बच्चन की हत्या को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। रणजीत बच्चन की हत्या के विरोध में समर्थकों ने लखनऊ में किया प्रदर्शन। हिंदू महासभा ने योगी सरकार से परिवार के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एबीपी न्यूज के जनमन धन कार्यक्रम में एलआईसी के निवेशकों को दिया भरोसा। कहा, डरने की जरूरत नहीं, निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित। बजट को कांग्रेस ने बताया दिशाहीन और निराशाजनक। एबीपी न्यूज पर मनीष तिवारी बोले, अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस, इस बजट से पटरी पर लौटना मुश्किल। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार सरकार। एबीपी न्यूज के मंच पर बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, एक सुर में फैसला कर आए प्रदर्शनकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में शाहीन बाग के करीब ओखला में चुनावी रैली की। कहा, शाहीन बाग का मतलब अराजकता का बढ़ना, लोग जाम लगने से परेशान हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर किया चुनाव प्रचार। रैली में बजट की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली के कैंट इलाके में जनसंपर्क अभियान। 8 फरवरी को दिल्ली में होगा चुनाव। 11 को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 300 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी मुफ्त में देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा। कल योगी ने दिल्ली में दिया था गोली वाला बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी और मुंडका में निकाला रोड शो। पूर्वांचली वोटरों के बीच किया प्रचार। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान आप नेता सत्येंद्र जैन ने मनोज तिवारी पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को कहा बीजेपी का पप्पू। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से चाय पर संवाद की योजना बनाई। नारा दिया बूथ जीतो चुनाव जीतो। दिल्ली के महरौली विधानसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार कुसुम खत्री के लिए मांगा वोट। केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने उतरे बीजेपी के दिग्गज। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने ग्रेटर कैलाश में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मालवीय नगर में घर घर जाकर किया प्रचार। दिल्ली में RJD नेता तेजस्वी यादव ने किया चुनाव प्रचार। द्वारका में पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। JDU से निकाले गए प्रशांत किशोर अब DMK के लिए बनाएंगे चुनावी रणनीति। 2021 का तमिलनाडु चुनाव जिताने के लिए IPAC से हुआ करार। बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा। बीजेपी के मुताबिक तमिलनाडु में पार्टी को मिलेगी मजबूती। RSS से जुड़ी संस्था में मुंबई यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की ट्रेनिंग को उद्धव सरकार ने रद्द किया। फडणवीस सरकार ने मंजूरी दी थी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।